दोस्तों, आज की वीडियो में बना रहा हूँ व्हाट्सएप के बैन नंबर के हवाले से कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर जो होते हैं वो बैन कर देते हैं व्हाट्सएप वाले, तो उनको अनब्लॉक करने का क्या तरीका है और वो किस तरह अनबैन किए जाते हैं। तो ये मैं व्हाट्सएप में जा रहा हूँ और मेरा एक नंबर अभी बैन हो चुका है, ये मैं आपके सामने आया है, ये मैं नेक्स्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये सामने ऑप्शन आ रहा है कि योर व्हाट्सएप नंबर बैन है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये ऑप्शन आ रहे हों तो आप लोगों ने क्या करना है, ये बैक आ जाए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक ये नंबर वाली जगह पर एक बार आपने स्क्रीन शॉट इस जगह पर ले लेना है, दूसरा नेक्स्ट करके ये नंबर कम था तो इस जगह पर आपने दे देना है। जब ये अब सपोर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, सपोर्ट पर क्लिक कर देना है जी, और यहाँ पर जो डिस्क्राइब है बराबर उसमें अपना नंबर लिखना है कि आपका नंबर बैन हो चुका है, आप मेहरबानी करके सर जिस नंबर अनब्लॉक कर देंगे, अनबैन कर देंगे। मैं लिख देता हूँ, डेयर सर माई व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर है वो लिखते हैं, जी जी ये नंबर बैंड हो चुका है, प्लीज अनबैन उन्हीं से, कोई ऐसा इमोजी लगा दें जो आपको अच्छा लगे, दिल वाला लगा दें, कोई भी ऐसा लगाना है जो कि प्यार मोहब्बत की बात करी ऐसे लगा के आपकी भेंट होने लगा है। तो ये इसके बाद जो आपने स्क्रीन शॉट्स लिए थे वो लगा दे देना, ये भी मैंने दिल लगा दिया, इसके बाद कर देना अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है वो हमें नज़र आ रहा है तो ठीक है, This doesn't answer my question. ये प्रीपेयरिंग वाला बड़ा टाइम ले रहा है, मेरे पास कितनी क्या मसला है। तो ये देख रहे हैं आप जी कि हमारे पास ये ईमेल का ऑप्शन आ गया है कि हमने उनको मेल करना है, जो रिक्वेस्ट है हमारी उसको अनबैन वाली, ये ईमेल खोल जाना है जी। अभी इधर ये आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा मैसेज है वो सारा पहले से ही लिखा हुआ है, बस आपने क्या करना है कि इसको उनको सेंड कर देना है, ये लें जी, वो हमने उनको मेल कर दिया है। अभी मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी किया है तो उसका जो रिप्लाई मैंने दिया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सपोर्ट वालों ने मैसेज किया हुआ है जी, ये आप लोग देख रहे हैं जी कि है थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी अंडरस्टैंड योर कंट्री अनेबल टू एक्सेस व्हाट्सएप एंड आर वर्किंग डिलाइटली टू आंसर योर रिक्वेस्ट। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है जी कि ये जो व्हाट्सएप वाले आपका नंबर एक्टिव कर देंगे दोबारा से, अगर आपने कोई ख़ास वायलेशन की होगी जो बहुत बड़ी होगी तो फिर नहीं होगा, अगर छोटी मोटी होगी तो फिर आपका नंबर ऑनलाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियोज़ और जो मोबाइल कंप्यूटर की प्रॉब्लम है उनके हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।